गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हाजिर हूँ मैं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हम हैं सतना पॉलिटेक्निक कॉलेज में और आपको शिक्षा जगत की एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान हजारों विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देकर शिक्षा जगत में अपनी अलग एक छाप छोड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन प्रशिक्षण देना तो लॉकडाउन के दौरान एक आम बात है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वेबिनार के बारे में बताएंगे जिसके बारे में ना आपने कभी देखा होगा ना ही आपने सुना होगा। एक ऐसा वेबिनार जहां हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ाई किए हैं, जिस दौरान हमारे देश के लोग घरों में बंद थे उस दौरान सतना में शिक्षा जगत की एक ऐसी शख्सियत भी है जिन्होंने प्रदेश भर के बच्चों को एक ही क्लास में लाकर उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षित किया। हम इन सभी सवालों के जवाब उसी शख्सियत से लेंगे जिन्होंने लॉकडाउन में एक ऐसा यूनिक ऑनलाइन प्रशिक्षण करके शिक्षा जगत में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अब हम पहुंच चुके हैं उस शख्सियत के बीच जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान हजारों बच्चों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राध्यापक आर के हरदास साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। सर आपके दिमाग में ये प्लान कैसे आया कि एक ही प्लेटफॉर्म में 9th से 12th टेक्निकल डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाए? जैसा कि आपको जानकारी है वेबिनार जो है सेमिनार का डिजिटल वर्जन है, तो ज़्यादातर सेमिनार जो होते थे IITs में NITs में और जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पर होते थे, तो लॉकडाउन के दौरान मुझे IITs के और NITs के वेबिनार अटेंड करने का मौका मिला और मुझे ये लगा कि जब ये IIT में और NIT में इस तरीके के वेबिनार होते हैं तो क्यों ना हम पॉलिटेक्निक और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए इस तरीके का आयोजन करें ताकि जो जानकारी हमारे पास है वो बच्चों तक पहुंच सके। लॉकडाउन में आपने कुल कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया होगा, एक कोई आंकड़ा हो आपके पास पूरे लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के दौरान हमने कुल 15 वेबिनार किए हैं। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी और कॉलेज के विद्यार्थियों को लाना, आपने ये सब कुछ कैसे अरेंज किया? पहले तो सबसे पहली बात तो ये थी कि एक जो माध्यम है वेबिनार जो है ज़्यादातर कॉलेजों में हुआ करता था, कभी हमको ऐसी जानकारी नहीं है कि स्कूलों के लिए वेबिनार हुआ हो। चूँकि लॉकडाउन के दौरान सब बच्चे अपने घर में थे और किसी के संपर्क में नहीं थे तो हमें ये लगा कि वेबिनार के माध्यम से हम हर बच्चे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और चूँकि ये माध्यम जो है ऑनलाइन किया गया था तो सब अपने अपने घर से इसमें शामिल हो सकते थे, इसलिए हमने वेबिनार का ऑनलाइन आयोजन किया। आपने वेबिनार में 10th 12th के बच्चों का चयन क्यों किया कि क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना हो सकती है, लेकिन आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि अब 10वीं के और 12वीं के बच्चों को भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है?
इसके पीछे मूल कारण ये था कि जो बच्चे हैं, हमने देखा कि वेबिनार जो है ज़्यादातर कॉलेजों में होते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी ये बात कही गई है कि कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के जो बच्चे हैं इसमें लर्निंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जो बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं वो इन्हीं क्लास में सीखते हैं। तो हमको ये लगा कि यदि नींव मजबूत रहेगी तो इमारत बुलंद बनेगी, तो हम IIT से हटके यदि इस चीज़ को स्कूलों में फोकस करें तो हमको ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे मिलेंगे, उनको सही गाइडेंस मिलेगा और वो बच्चे आगे चल के स्कूल कॉलेज एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। प्रदेश के लगभग कितने जिलों के बच्चे इस पूरे वेबिनार में पार्टिसिपेट किए? चूँकि ये ऑनलाइन प्लेटफार्म था, इसमें मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों से पार्टिसिपेंट्स थे, मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अन्य प्रदेशों से भी थे और यहाँ तक कि विदेशों के जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनने भी इन वेबिनार में पार्टिसिपेट किया था। क्या कोई सरकारी आदेश थे या महाविद्यालय के आदेश थे कि ये सेमिनार करना है, वेबिनार करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि ये ऑनलाइन प्लेटफार्म था इसके लिए हमको केवल एक लैपटॉप की ज़रूरत थी, जिसके माध्यम से हम जूम ऐप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन सेमिनार करते थे। आपने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी और बी के स्टूडेंट को कैसे कनेक्ट किया, किससे संपर्क किया, कि आपने एक्सपर्ट भी बुलाए, कैसी आपने ये क्रियान्वित किया इस पूरी प्लानिंग को? चूँकि जैसे फ़ोन से कनेक्टिविटी रहती है, आप किसी से बात कर लीजिए, और दूसरा जो माध्यम है व्हाट्सएप में, जैसे हमने वेबिनार आयोजित किया तो इसकी जानकारी लोगों को कैसे लगेगी कि आपने वेबिनार किया, तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबसे पहले तो जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको सूचित किया गया, और इसमें स्कूल एजुकेशन को हमने जोड़ा, तो हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जो हैं यहाँ के श्री TP सिंह जी से उनसे चर्चा की कि हम ये वेबिनार जो है बच्चों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल एजुकेशन का एक पूरा ग्रुप बना हुआ था और स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी प्रयास था कि बच्चे लॉकडाउन में घर पे हैं और उनसे बराबर वो लोग दूसरे माध्यमों से पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से बात करी और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिला सतना के संयोजक श्री गिरीश अग्निहोत्री जी हैं, उनसे बात करी कि हम ये जो वेबिनार का फोकस है वो स्कूल के बच्चों पर करना चाहते हैं, तो उनके माध्यम से हम स्कूल के बच्चों से, स्कूल के टीचर से जुड़े, और इस तरीके से किसी किसी वेबिनार में तो हमारे 3000 से लेकर 4000 स्टूडेंट तक इस वेबिनार में जुड़े हैं। ये जो आपने पूरा वेबिनार किया, इसका जो खर्च आया वो किसने बहन किया? क्या कॉलेज प्रबंधन ने बहन किया या आपके ये सेल्फ ने आपने बहन किया? इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो एक्सपर्ट हमारे थे वेबिनार के दौरान, हमने जो एक्सपर्ट बुलाए थे उन्होंने किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं लिया है। ये जो आपका वेबिनार था वो किस विषय पर फोकस था? वेबिनार में जो हमने देखा कि जो बच्चे स्कूलों से आते हैं उनके ज़्यादातर बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं, तो इस चीज़ को हमने मार्क किया, जो हमारे यहाँ बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं उनसे हमारी बात होती थी, तो ये लगता था कि स्कूल एजुकेशन में एक कमी है, जो बच्चे स्कूल एजुकेशन में पढ़ते हैं उनके कुछ कुछ साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि बच्चों में रुचि नहीं रहती है, बच्चे केवल परीक्षा पास करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उन एक्सपर्ट से जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान बच्चों को प्रशिक्षण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। अब हम पहुंच चुके हैं सीनियर लेक्चरर JN पांडे जी के पास, जिन्होंने इस वेबिनार पर बतौर एक्सपर्ट अपनी सेवाएं दी। उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस वेबिनार पे कैसे कनेक्ट हुए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। दरअसल लॉकडाउन के बाद में जून के महीने में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सतना के डॉक्टर आर के हरदहा सर से अटेंडम मुलाकात हुई, और शिक्षा के प्रति उनकी जो सोच है, उनका जो लगाव है, वो फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच हुई, और चूंकि हम दोनों बहुत एक सामान्य परिवार से, गांव से बिलोंग करते थे,
तो इस कोविड-19 महामारी के दौरान दिमाग में ये बात कौन रही थी कि बच्चों को अपन घर बैठे किस तरीके से उन तक शिक्षा की अलख जलाएं और पहुंचाएं। तो चूंकि हमारा तकनीक से बहुत पुराना वास्ता था, तो अपन लोगों ने ये तय किया कि भाई हम बच्चों को वेबिनार के माध्यम से बच्चों को अपन शिक्षा के क्षेत्र में उनको लाभान्वित कर सकते हैं। मतलब सरकारी कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, बस एक लगाव था शिक्षा के प्रति, एक जुनून था और ये लग रहा था कि भाई बच्चों का बहुत नुकसान जो है हो रहा है। तो चूंकि हमारे पास आईटी का फील्ड मौजूद है, टेक्निकली हम साउंड हैं, तो हम क्यों ना अपने समाज के गरीब बच्चों को, अपने प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के बच्चों को वेबिनार के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम वो बात पहुँचाएँ। और हमने वो एक यात्रा शुरू की बतौर टेक्निकल एक्सपर्ट, बतौर कोऑर्डिनेटर, और टेक्निकली गूगल मीट और यूट्यूब के माध्यम से उसको स्ट्रीमिंग लाइव करना खुद, जबकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क कहलाता है। मतलब आप यहाँ सतना के अलावा प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों को भी आपने कनेक्ट किया? जी, हमारा उद्देश्य था कि स्कूल एजुकेशन के बच्चे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कॉलेज के और टेक्निकल कॉलेज के बच्चे भी इससे लाभान्वित हों। तो इस श्रृंखला में हमने स्कूल एजुकेशन के टीचर्स के साथ साथ कॉलेज के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर पद्मेश त्रिपाठी जी ने योगदान दिया भोपाल से, आदरणीय मनोज सोलंकी जी रिवर इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर प्रोफेसर आर एस गुप्ता जी शासकीय स्वशासी महाविद्यालय सतना, और मैं और आदरणीय हरदहा सर चारों स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इसमें हम दोनों बतौर एक्सपर्ट, बतौर कोऑर्डिनेटर अपनी सहभागिता सुनी। आज शिक्षक दिवस है, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षक दिवस पर मैं अपने बच्चों को ये संदेश दूंगा कि किसी भी रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1914 में नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर का, उनकी एक पंक्ति थी है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर द हेड इज़ हेल्ड हाई, जहां मस्तिष्क भय रहित हो उसी देश का मस्तिष्क ऊंचा हो सकता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की बुनियाद है। आज तक इतिहास में ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि जहाँ का समाज शिक्षित हो और वो गरीब हो। आई मीन एन एजुकेटेड सोसाइटी कैन नॉट बी अ पुअर सोसाइटी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। तो ये थे मिस्टर जयन पांडे, जिन्होंने बतौर एक्सपर्ट, बतौर कोऑर्डिनेटर इस पूरे वेबिनार को डील किया, और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस तरह बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी, किस तरह उन्होंने पढ़ाने के बाद बच्चों से क्विज कंपटीशन कराई कि जो वो बता रहे हैं क्या वो बच्चे आत्मसात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब हम चलते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य पी के जड़िया साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे वेबिनार को सपोर्ट किया। अब हम पहुँच चुके हैं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य पी के जड़िया साहब के पास, और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे वेबिनार को उन्होंने किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से सपोर्ट किया और अपने स्टाफ का मनोबल बढ़ाया। पीके जड़िया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके जो सीनियर प्राध्यापक हैं आर के हरदहा साहब, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया वेबिनार का, आपने इस वेबिनार को किस तरह से सपोर्ट किया? बिल्कुल सर, प्रश्न आपका बिल्कुल उचित है। ये नवाचार कह सकते हैं हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्तर पर, क्योंकि वेबिनार तो पूर्व से भी जारी रहे हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक ने इसमें पहल की है जो कि हमारे नवाचार के अंतर्गत आया था। हरदहा साहब एक टेक्नोक्रेट्स हैं, ये संस्था एक तकनीकी संस्थान है। हम सभी अपने पठन पाठन में भी तकनीक का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, और यही वजह है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो रहते हैं इनकी सफलता का प्रतिशत बहुत अच्छा है, इनकी जॉब में एब्जॉर्प्शन का प्रतिशत बहुत अच्छा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जब अचानक से ये कोविड का समय आया, लॉकडाउन की स्थिति बन गई, बच्चों से इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए और उनको पढ़ाई में सम्मिलित रखने की दृष्टि से
वेबिनार की कॉन्सेप्ट को हरदहा साहब ने प्रस्तुत किया और तुरंत यूँ कहिए सहज ही मैंने इसे मान करते हुए एक्सपर्ट्स की एक टीम गठित करवाई और इसका एक राइटअप तैयार करवाया ताकि बच्चों तक सुलझी हुई बात पहुँचे और इसे कैसे क्रियान्वयन करना है। तो दोनों चीज़ें संभल कर आईं कि वेबिनार में एक्सपर्ट्स भी रहेंगे और बच्चों को इंटरेक्शन के लिए क्विज भी आयोजित कराया जाएगा ताकि उनकी कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहे। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इस सीरीज़ को जो हम लोगों ने एक कोशिश की थी और एज मैनी एज 21 वेबिनार हम लोगों ने करा लिए और इस वेबिनार को जब हम लोगों ने कराने लगे और पॉलिटेक्निक स्तर पर जब सफलता देखी हमने, स्ट्रीमिंग में हमने लोगों का रुझान देखा, तो मुझे लगा कि इस दायरे को बढ़ाना चाहिए क्योंकि ज्ञान सभी को देने की चीज़ है। तो वेबिनार से फिर हमने इंजीनियरिंग स्तर के लोग, समूचे मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक को तो सम्मिलित किया ही। हमारे पास में पुणे से, बेंगलोर से, दिल्ली से टेक्नोक्रेट्स लोग, फील्ड के लोग इसमें जुड़े हुए थे और जिस समय हमारे वेबिनार का इंटरेक्शन होता था वो बहुत रोचक हो जाता था। जब वो टेक्निकल प्रॉब्लम कर रहे हैं और एजुकेशन वाला लोग उनको अपनी चीज़ों के साथ में उसको सम अप कर रहे हैं। स्ट्रेंथ क्या होगी स्टूडेंट की, ये जो आपने बताया कि हमने इतने सारे वेबिनार किए, आपको क्या लगता है कि कितनी स्ट्रेंथ के स्टूडेंटों ने इसका एडवांटेज लिया होगा? हमारी वेबिनार में स्ट्रीमिंग को और लाइव सेशन को मिला लिया जाए तो हमारे तो 2000 से 3000, 3000 से 4000 के बीच में भी हमें उसकी अटेंडेंस मिली थी और बच्चों की इसी रुझान ने हमें प्रोत्साहित भी किया है। वास्तविकता सच है ये कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती गई, कनेक्टिविटी बच्चों की बढ़ती गई, तो हमें लगा कि नहीं, हमें और रिफाइंड वे से इसे करना चाहिए। और इसी कड़ी में हमने फिर न सिर्फ टेक्निकल, हमने मोटिवेशन थ्रू पोएट्री, हमने रोचक तरीके से अपने वेबिनार को रखा है। इस वजह से बच्चों का रुझान सतत बना रहा। ये जो वेबिनार था, क्या उस पर आप भी पार्टिसिपेट हुए थे? आपने भी अपनी तरफ से बच्चों को कुछ टिप्स दिए? संस्था प्रमुख और मेंटर होने के नाते ये हमारा दायित्व भी था और वेबिनार को शुरू कराने से लेकर के उसे सतत गति प्रदान करने में संपूर्ण तरह से मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पी के जड़िया साहब। ये थे शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य पी के जड़िया साहब, जो कि उन्होंने बताया कि ये जो वेबिनार का हमारा दायरा था वो मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों तक सीमित था। अब हम बात करेंगे उन बच्चों से जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में क्या खास बात रही और उन्हें क्या क्या बारीकियाँ सीखने को मिली। हमारे तनु पांडे। किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? अनुपमा हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, आपने क्या लॉकडाउन में ये जो सेमिनार हुआ था उसे आपने अटेंड किया था? यस सर, कुछ वेबिनार्स हमने अटेंड किए, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं अटेंड नहीं कर पाई। जो वेबिनार आपने अटेंड किए उस पर आपको क्या खास बात नजर आई? सर, उसमें जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हो पा रहे थे वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए और जो स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम्स, कभी किसी चीज़ में क्वेरीज आ जाती थी, पर हम लोग वेबिनार अटेंड करने के बाद उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वही चीज़ जो हम लोग पैराग्राफ में लिखते थे या पैराग्राफ में पढ़ते थे वो चीज़ हमें एक लाइन में ही सिर्फ याद आ जाती है। क्या आपने इस तरह का वेबिनार पहले भी कभी अटेंड किया था? नो सर। ये जो वेबिनार था ये किस विषय पर ज़्यादा फोकस था? सर, फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स। मतलब आप लोगों को सबसे ज़्यादा कठिनाई किस में आती है? चूँकि अभी आप किस क्लास में? सर, 11th। आपका नाम? सर, मेरा नाम सुमित सिंह, मैं सतना से वेंकट वन का छात्र हूँ। किस क्लास में? सर, 11th मैथ से। आपने वेबिनार अटेंड किया जो लॉकडाउन में आयोजित हुआ? जी सर, मैंने वेबिनार अटेंड किया अपने फ़ोन के थ्रू। आपको क्या दिलचस्प लगा इस वेबिनार में? इस वेबिनार में जो हमने पढ़ा था 10th में उसके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाए और 11th में कोर्स जो है अचानक सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें बर्डन आ जाता है। तो सर, इस वेबिनार के थ्रू जो सर मेन कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स और सब्जेक्ट्स के, सर वो है अच्छे से क्लियर हुए, वो भी वर्चुअली। तो सर, हमें बहुत अच्छा लगा वेबिनार अटेंड करके और इससे हमारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गए। आपका नाम? मेरा नाम प्रांशु गौतम है और मैं एक्सीलेंस स्कूल वेंकट वन सतना से। किस क्लास में हैं आप? मैं क्लास 11th मैथ से। अच्छा, क्या लॉकडाउन के दौरान आपने वेबिनार अटेंड किया था? हाँ जी, लॉकडाउन के दौरान मैंने वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार जो हुआ था उसे अपने मोबाइल फ़ोन से अटेंड किया था। क्या खास बात लगी आपको इस वेबिनार में?
कि स्कूल में जो कॉन्सेप्ट हमको टीचर पढ़ाते हैं तो वो एक या दो दिन पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद नए कॉन्सेप्ट में मूव हो जाते हैं। पर और उसमें क्या है कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता है तो उसमें चॉक और ब्लैक बोर्ड हो जाता है, जिससे अच्छे से क्या है कि समझ में नहीं आता और उसकी ओरिजिनल इमेज अपन अपने माइंड में नहीं सेट कर पाते। चलिए, मतलब आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया। आपका नाम? कृष्णा शुक्ला। किस स्कूल में आप? अनुपमा हायर सेकेंडरी स्कूल। किस क्लास में? 11th मैथ्स। आपने वेबिनार अटेंड किया है लॉकडाउन के? जी सर। क्या आपको खास लगा इस वेबिनार में? सर, वेबिनार में हम जो स्कूल में टाइम पे पढ़ते हैं तो लिमिटेड पीरियड्स रहते हैं। ये जो वेबिनार था, क्या उसमें अलग अलग एक्सपर्ट आते थे आप लोगों को व्यू देने के लिए? यस सर। अच्छा, आपको वेबिनार और जो ऑफलाइन क्लास होती है, इसमें दोनों में क्या अंतर समझ में आया? सर, वेबिनार हम कभी भी अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पे वो दोबारा मिल जाता है, पर क्लासेस में जो एक बार टीचर पढ़ा देते हैं वो चीज़ दोबारा नहीं मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल इस दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपने विद्यार्थियों से ये मनसा जाहिर की थी कि उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसके बाद 5 सितंबर 1962 से भारत में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और लाल वाली सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे फिर एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।